मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन, श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्य नगर, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र, तज्जयति परम ज्योतिः, समं समस्तैरनन्त पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अनादिकाल से ये जीव अपने परिणामों का, अपने परिणमनों का कर्ता और भोक्ता है, ये बताते हुए आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं। परिणम मानो नित्यम, परिणम मानो नित्यम, ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या, ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या, परिणामानां स्वेषां, परिणामानां स्वेषां, स भवति कर्ता च भोक्ता च, स भवति कर्ता च भोक्ता च। बोलिए। परिणम मानो नित्यम, ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या, परिणामानां स्वेषां, स भवति कर्ता च भोक्ता च। परिणम मानो, परिणमन करता हुआ, नित्यम माने हमेशा, ज्ञान विवर्त ही विकार रूप परिणामों से, अर्थात राग द्वेष आदि परिणामों से, अनादि संतत्या अनादि परपाटी से, क्या हुआ, ये जीव सदा ही विकार रूप रागादि परिणामों से, अनादि परपाटी से परिणमन करता हुआ, श्वेशाम माने अपने, परिणामानाम माने परिणामों का, स माने वह होता है कर्ता और भोक्ता भी। अर्थात अर्थ देखें जरा दोबारा। परिणमन करता हुआ, नित्यम माने सदैव, विकार रूप परिणामों से, अनादि परपाटी से, ये जो आत्मा है जिसका वर्णन पहले हुआ कि ये आत्मा कैसा है, चैतन्य स्वरूपी है, निरंतर उत्पाद व ध्रोव्य गुण पर्याय वाला है, तो क्या हुआ कि ये हमेशा नित्यम माने सदैव ज्ञान विवर्तई विकार रूप परिणामों से, राग द्वेषादि परिणामों से, अनादि संतत्या अनादि परपाटी से परिणम मानः, परिणमन करता हुआ, अनादिकाल से राग द्वेष के चक्कर में फंसा हुआ, स्वेषाम माने अपने, परिणामानाम राग द्वेष रूप आदि परिणामों का, स माने वह आत्मा कर्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है।
जैसे परिणाम करता है उनका करने वाला है, और जो परिणाम उदय में आते हैं उनका भोगने वाला है। इस तरह का यह आत्मा कर्ता और भोक्ता किनका है, इसका वर्णन इसमें हुआ। आत्मा में राग देश आदि परिणाम कब से आए हैं? आपने पढ़ा नहीं श्लोक में, अनादि संतत्या, अनादि परपाटी से, अर्थात इसकी कोई आदि नहीं। आत्मा में जो राग द्वेष आदि परिणाम हैं ये अनादि से हैं। इसने कर्म बांधे, कर्म उदय में आए तो इसने फिर राग द्वेष रूप आत्मा ने परिणमन किया। इस तरह ये अनादि से परंपरा चली आ रही है। ऐसा नहीं है जो पहले आत्मा कभी शुद्ध था और कर्म अशुद्ध थे और फिर आत्मा और कर्म मिल गए हों, ऐसा नहीं। हमेशा से आत्मा और कर्म का संबंध है। उदाहरण देखें, बादाम पेड़ में पैदा हुआ। अब मैं पूछता हूँ, बादाम की गिरी के ऊपर एक अंदर का पतला छिलका है, एक ऊपर का मोटा छिलका है, ये बादाम में कब से आया? शुरू से आया। ऐसा नहीं पहले मिंगी बन गई हो, छिलके बाद में किसी ने चढ़ाई हो, ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ आचार्य ने शब्द दिया अनादि संतत्या, अनादि काल से यह आत्मा राग द्वेषादि परिणामों में परिणमन कर रहा है। ये अनादि परंपरा है। पंडित जी, आत्मा और कर्म दो अलग पदार्थ हैं, इनका संबंध कब हुआ? इन दोनों का संबंध अनादि से है, इसका प्रारंभ कभी नहीं हुआ। अगर आप ये मानेंगे पहले जीव शुद्ध था और ये अशुद्धि बाद में लगी, तो प्रश्न खड़ा होगा, शुद्ध जीव में अशुद्धि हुई क्यों? तो कब से है? ये तो अनादि से है। अब जैसे कोई पूछे आपसे, पहले वृक्ष हुआ या बीज हुआ, क्या उत्तर देंगे आप? उत्तर देंगे ये तो अनादि परंपरा है। अगर आप कहेंगे पहले बीज हुआ, तो हम कहेंगे बिना वृक्ष के बीज कहाँ से आया? आप कहेंगे पहले वृक्ष हुआ, हम पूछेंगे बिना बीज के वृक्ष कैसे बना? ऐसे नहीं होता। इसलिए आत्मा में राग द्वेष हुए तब कर्म आए, तो पहले आत्मा शुद्ध था तो राग द्वेष कहाँ से हुए? वो नहीं हो सकते। तो आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है। जब तक मोक्ष न हो जाएगा तब तक ये संबंध बना रहेगा। इसलिए आचार्य लिख रहे हैं अनादि संतत्या। वर्तमान में आत्मा किन कारणों से अशुद्ध हो रहा है? हमारी और आप सबकी आत्मा वर्तमान में, हम जो राग द्वेष आदि परिणाम करने में लगे हुए हैं, इसके कारण नवीन कर्मों को निरंतर बांध रहा है और अशुद्ध हो रहा है। कब से? अनादि से हो रहा है और आज भी हो रहा है। अगर ये राग द्वेष की परंपरा छूट जाए तो फिर कर्म का नवीन बंधन भी रुक जाए, और पहले जो कर्म है उनकी संवर निर्जरा होने से आत्मा और शरीर का बंध समाप्त तो हो जाए। पर ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, और जब ऐसा होता है तब आत्मा को मोक्ष हो जाता है। पंडित जी, आत्मा किन परिणामों का कर्ता होता है और किन परिणामों का भोक्ता होता है? अनादिकाल से जब कर्म उदय में आते हैं तो आत्मा विकारी भाव रूप राग द्वेषादि रूप परिणमन करता है, और जब राग द्वेषादि रूप परिणमन करता है तो उन परिणामों का करने वाला वो स्वयं होता है, और उस समय नवीन कर्मबंध का करने वाला भी स्वयं होता है। इसलिए अपने परिणामों का करने वाला वह आत्मा स्वयं है, लेकिन स्वभाव से नहीं, कर्म उदय में आने के कारण। अगर कर्म उदय में नहीं आए मान लो तो आत्मा में विकारी परिणमन ना हो, पर ऐसा होता नहीं। अनादिकाल की परंपरा है, प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, आत्मा राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप परिणमन कर रहा है और अपने परिणामों का कर्ता हो रहा है और नवीन कर्मों को बांध रहा है, और जब वे नवीन कर्म उदय में आएंगे तो उनको भोगेगा कौन? स्वयं ही उनका भोगने वाला होगा। जो कर्म हम करते हैं उनके भोगने वाले हम ही तो होते हैं, और कौन होगा?
इसलिए आत्मा अपने परिणामों का करने वाला है। अपने परिणामों के होने से नवीन कर्म जो बनते हैं, जब वे उदय में आके फल देते हैं, तब उनका भोगने वाला भी होता है। पंडित जी, जो अभव्य जीव है, ये अभव्य कैसे बना? अभव्य पारिणामिक भाव है। वह अभव्य आत्मा जब से है तब से अभव्य रूप ही है। अभव्य किसे कहते हैं? जिस आत्मा में सम्यक् प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है, उस आत्मा को कहते हैं अभव्य। ये अभव्य आत्मा किसी कर्म के उदय के कारण नहीं बना, अनादिकाल से ऐसा ही है। एग्जाम्पल आचार्यों ने दिया, कोई बांझ महिला है, वो बांझ है, उस वो कितनी शादियां कर ले, कुछ भी कर ले, उसके बच्चा एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बांझ है। उसी तरह जो अभव्य जीव है, उसमें सम्यक् प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है। और ये कब से नहीं है? शुरू से, अनादि से नहीं है। किसी कर्म के कारण हुई हो, अगर हुई हो मानेंगे तो उस कर्म के हटाने से वो भव्य भी बन जाए, नहीं। अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। कितने ही तीर्थंकरों के समवशरण या तीर्थंकर भगवान भी अगर उसको उपदेश दें तो भी अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता। उसमें योग्यता नहीं है, अनादिकाल से अभव्य है, अनंतानंत काल तक अभव्य ही रहेगा। अनादिकाल से परिणमन करता हुआ ये आत्मा इससे कब पीछा छोड़ा पाएगा और कैसे छूटेगा, इसके लिए आचार्य श्लोक दे रहे हैं। सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः बोलिए। सर्वविवर्तोत्तीर्णम् यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। सर्व माने समस्त, विवर्त माने राग द्वेष आदि परिणाम, उनसे उत्तीर्ण अर्थात उनसे पास होता हुआ, उनसे दूर होता हुआ, अर्थात समस्त राग द्वेष आदि विकार भावों से हटकर, यदा माने जब, च और चैतन्यम अचलम आपनोति, वह चैतन्य अचलपने को प्राप्त होता है। क्या हुआ? जब वह आत्मा समस्त रागादि विभाव पार परिणामों से दूर हो जाता है और जब वह चैतन्य आत्मा अचलपने को प्राप्त, निष्कंप निश्चलपने को प्राप्त होता है, भवति होता है तदा कृतकृत्यः, वह कृतकृत्य तब होता है। और उस समय सच्चे पुरुष के अर्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अभी तक पुरुष आत्मा क्या हो रहा है? राग द्वेष आदि परिणामों के कारण कर्मों को बांध रहा है, दुखी हो रहा है, संसार में भटक रहा है। और जब राग द्वेष आदि परिणामों से हटे और आत्मा अचलपने को प्राप्त हो जाए, तब ये कृतकृत्य होता है और तब सच्चे पुरुष के जो प्रयोजन की सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेता है। पंडित जी, कृतकृत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो करने योग्य कार्य को कर चुके उसका मतलब है कृतकृत्य। जैसे मान लो बेटी की शादी थी और बेटी की शादी में विदा हो गई और बारात चली गई, सब काम निबट गया, भाई अब तो हम कृतकृत्य हो गए, निबट गए। उसी तरह आत्मा का
राग द्वेष आदि परिणामों के कारण संसार का भ्रमण करने की परंपरा टूट जाए और आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाए, तब कृतकृत्य हो जाता है, अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं। कृतकृत्य शब्द का अर्थ होता है करने योग्य कार्यों को कर चुका है, अब कुछ भी करना शेष नहीं। आत्मा को अचलपना कब प्राप्त होता है? जब तक आत्मा संसार में है और 13वें गुण स्थान में है, तब तक तो आत्मा में चंचलपना है और उसके योग हैं। योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसे कहते हैं योग। और जब तक वो हलन चलन है तब तक अचलपना प्राप्त होने का सवाल नहीं। तो अचलपना कब प्राप्त होगा? जब ये हलन चलन दूर हो जाएगी। हलन चलन दूर कब होती है? ये 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान में होती है प्रारंभ, और फिर अनंतानंत काल तक सिद्ध अवस्था में रहती है। तो हमारे सच्चे पुरुषार्थ की सिद्धि कब होगी? जब हमारे आत्म प्रदेशों की हलन चलन मिट जाएगी और आत्म प्रदेश निष्कंप ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे, तब हम कहेंगे आत्म प्रदेश अचल हो गए और हम कृतकृत्य हो गए हैं। पंडित जी, क्या अरहंत परमेष्टि भी कृतकृत्य नहीं कहलाएंगे? अभी तो अरहंत भगवान के आत्म प्रदेशों में हलन चलन पना है, अभी तो आश्रम बंद हो रहा है, केवली भगवान के शरीर में योग है और योग के कारण आश्रम है, भगवान खड़े हो रहे हैं, विहार कर रहे हैं, अगले आगे जाके समूह शरण में विराजमान हो रहे हैं, दिव्य ध्वनि हो रही है, इन सब कार्यों में योग तो है। अरहंत भगवान के 2 मनोयोग, 2 वचन योग और 3 काय योग, 7 योग होते हैं। इन 7 योगों के कारण ये आत्म प्रदेशों में हलन चलन सिद्ध होता है, इसलिए अभी अरहंत परमेष्टि में अचलपना नहीं। अगर अचलपना होता तो फिर आश्रबंध का प्रश्न ही नहीं उठता था। अभी तो अरहंत भगवान के सातावेदनी का ईर्यापथ आश्रम बंद निरंतर है, इसलिए अभी अचलपना या कृतकृत्यपना नहीं आया। सिद्ध बनने के बाद आत्मा कब वापस लौटती है? जब अष्ट कर्मों का नाश हो गया, आत्मा को सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब लौटने का प्रश्न क्या उठता है? अन्य धर्मों में ये परंपरा सुनने में आती है कि जब वो आत्मा बैकुंठवासी हो जाती है और जब बैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाती है तब उनको वापस फिर संसार में भेज दिया जाता है, पर जैन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं होता। संसार भ्रमण के कारण है 8 कर्म, और जब 8ों कर्म नष्ट होने के बाद आत्मा शुद्ध हो गई, अब उस आत्मा के पास कर्म कैसे आएंगे? और जब कर्म ही नहीं आएंगे तब फिर संसार भ्रमण का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैन आगम के अनुसार एक बार अगर आत्मा सिद्ध हो जाए फिर संसार भ्रमण में अनंतानंत काल तक कभी भी आने का कोई काम नहीं, कभी नहीं लौटेगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और इसे कहते हैं सच्चे पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो जाना। पुरुष का प्रयोजन क्या था? ये अशुद्ध अवस्था मेरी छूट जाए और मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। अब पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई अर्थात आत्मा शुद्ध हो गई। अब जब पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई अब संसार में लौटने का कोई कार्य है ही नहीं, अब आत्मा पुनः अशुद्ध नहीं हो सकती। पंडित जी, ये विवर्त शब्द से क्या तात्पर्य है? कर्म के उदय में आत्मा में जितने विकारी परिणाम होते हैं उन सबको हम विवर्त कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व का उदय आया तो आत्मा में पर को निज मान्य रूप जो परिणाम हुए वे सारे विवर्त हैं, हम उन्हें कहेंगे मोह परिणाम, मिथ्यात्व रूप परिणाम। जब कषायों का उदय आया तब आत्मा में राग द्वेष हुए तो ये राग द्वेष रूप जो परिणाम हुए ये क्या हुए? ये विवर्त कहलाए। विवर्त माने अन्य के कारण होने वाले परिणाम, ये विवर्त परिणाम है। और जब तक ये विवर्त परिणाम होते रहेंगे तब तक नवीन कर्मों का बंध होता रहेगा।
जो नवीन कर्म बंधेंगे जब वो दोबारा फल देंगे तो आत्मा फिर विवर्त माने राग द्वेष आदि परिणाम करता रहेगा और इस तरह नवीन बंध होते रहेंगे और संसार भ्रमण चलता रहेगा। संसार भ्रमण के कारण है ये विवर्त, विवर्त माने राग द्वेष आदि परिणाम, और ये कब से हो रहे हैं? अनादि काल से हो रहे हैं। और कब तक होते रहेंगे? जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये निरंतर होते रहेंगे। पंडित जी, ये विकारी परिणाम तो हर जीव में पाए जाते हैं, फिर इनसे पीछा कैसे छूटे? आप जिस ग्रंथ का इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं इसका नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा के, अर्थ माने जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि का उपाय क्या है, जो आपने प्रश्न किया उसके लिए ये शास्त्र लिखा गया है। आत्मा अनादिकाल से अशुद्ध है, अब ये आत्मा अशुद्धता को कैसे छोड़े और शुद्ध कैसे बने? जब ये आत्मा शुद्ध बनेगी तब हम कहेंगे पुरुष का जो अपना प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। ये होगा कैसे? होगा ऐसे, हम सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ें, मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दृष्टि बनने के बाद हम चारित्र को धारण करें, चारित्र को धारण करके मुनि बने, तपश्चरण करके, इस भव में तो हमको मोक्ष प्राप्त होगा नहीं तो इस भव में तो हम देवादि पर्यायों को प्राप्त हों, वहाँ अपने सम्यक्त को और दृढ़ करें, दृढ़ करने के बाद जब पुनः मनुष्य बने तब मनुष्य बनने के बाद मुनि अवस्था धारण करके जब हम घोर तपश्चरण करेंगे तब इन राग द्वेषादि परिणामों से हमारा पीछा छूटेगा। हम इस पर्याय में इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इस पर्याय में ये कर सकते हैं, शास्त्रों को ज़्यादा दूर मत जाइए, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपका है, ये आपको आगे आगे चलने पर बताएगा। अगली पाठशालाओं में आपको स्वयं मालूम पड़ेगा कि किस तरह इन पापों से और कषायों से बचा जाए, उन बचाने बचने के रास्ते मालूम पड़ेंगे, उनको हम पहले जानें और फिर उन रास्तों को हम स्वीकार करें कि यहाँ लिखा है व्रतों को धारण करें, मैं व्रतों को धारण करता हूँ, मुनिपद धारण करें, मैं मुनिपद धारण करता हूँ, तपश्चरण करें, मैं तपश्चरण करता हूँ, शुद्धोपयोग में आए, मैं शुद्धोपयोग में आता हूँ। इतना जब हम करेंगे तब हमारा आत्मा कल्याण मार्ग में आगे आगे बढ़ेगा। हालांकि बहुत कठिन है इस संसार में रहते हुए राग द्वेष आदि परिणामों से। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी सोचा कि ये राग द्वेष परिणाम हमारे कैसे कम हों? नहीं सोचा तो ज़रूर सोचिए। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो लिखा है ना, वो यही लिखा है कि आत्मा में होने वाले विकारी परिणामों से कैसे पीछा छूटे। और इसको पढ़ के इसको अच्छी तरह समझिए, समझ के इसको अपने जीवन में उतारिए। इसमें लिखा पहले व्रतों को धारण करें, उसके बाद मुनिपद धारण करें, मुनिपद धारण करके फिर निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हों, शुद्ध उपयोगी बने और कर्मों की निर्जरा करें, इस भव में नहीं एक दो भवों में इन सब से हमारा पीछा छूट जाएगा। लेकिन जब तक गृहस्थी में हैं तब तक भी इन्हें कम से कम करने की व्यवस्था तो बनाएं, इनमें उलझे नहीं इनमें सुलझे। घर में रहते हुए भी सब घर को निश्चय से इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, अगर अपने को दूर करेंगे ना तो राग द्वेष की परिणति अपने आप ही हल्की पड़ जाएगी। ग्रंथ पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या होता है? हम शास्त्र में पढ़ें, उसका हम चिंतन करें, स्वीकार करें और जीवन में उतारें। इसलिए इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को आप सबको मात्र सुनना नहीं है टीवी पे कि टीवी पे सुन लिया और काम हो गया, नहीं, टीवी पर सुने और निर्णय बनाएं कि इसमें से मैं किन किन चीज़ों को स्वीकार करता हूँ। अगर ऐसे करेंगे तो आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि यही उपाय है, अन्य उपाय है ही नहीं। जय जिनेन्द्र। मानक चंद
कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी, विपिन कुमार जैन, श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटने, धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटने, सुपुत्र राजकुमार पाटने, कैलाश चंद पाटने, प्रकाश चंद पाटने, प्रदीप कुमार पाटने, अनिल कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।